तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने घर की सफाई कर चुकी हूँ सब तरफ। बस यहाँ पे बेड शीट लगाना बचा हुआ है, भी मैं कर लूँगी। और अभी नहा ही नहीं हूँ, तो यहाँ पे अभी मैं अपने खाने के लिए बना रही हूँ टमाटर की झोझो, मतलब सब्जी, नमक मिर्च प्याज वाली है ना चटनी। और चावल बनाऊँगी गरम गरम बच्चों के लिए। तो नाश्ते में डोसा बनाई हूँ और चाय है, बताई थी आप लोगों को। तो चलिए इसी तरह आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। अब मैं सीधा नहा वहा के रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ। और इस मिर्ची के वजह से मेरा स्किन जलने लगा, इसी हाथ से काट के डाल के मैं अपना स्किन टच कर दी इसलिए। तो चलिए बने रहिए, मैं ये टमाटर की स्वादिष्ट सब्जी बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोगों के पास कुछ ना हो खाने के लिए तो यही बना सकते फ्रेंड्स, रोटी चावल पराठा सबके साथ अच्छा लगता है। इसमें मैं हरी मिर्च प्याज और जीरा बस डाली हूँ। और ये है यहाँ पर टमाटर, जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा मैं इसको डाल दूँगी। आप चाहो तो मेथी के पत्ते यूज कर सकते हो, उससे और भी अच्छा स्वाद आता है, पर मेरे पास मेथी का पत्ता नहीं है। कड़ी का भी पत्ता यूज कर सकते हो फ़ौरन में, पर मेथी के में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए मैं रेडी करती हूँ, नहा वहा के आराम से आप लोग से मिलती हूँ। बस इसी तरह आप लोग मेरे चैनल पर बनी रहिए। और हाँ, कुछ और चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, तो यहाँ पे प्याज के बाद मैं टमाटर डाल दी। अब इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी फ्रेंड, सिर्फ स्वाद अनुसार डाल दूँगी नमक और हल्का सा डाल दूँगी हल्दी पाउडर। और नमक हल्दी डाल के इसको छोड़ दूँगी, पानी छोड़ छोड़ के ऐसे ही पक जाएगा, एक नंबर स्वादिष्ट, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो नहा के हो गई हूँ रेडी, ठीक है, घर का काम सारा ख़त्म कर ली हूँ और नहा के हो गई हूँ रेडी। और यहाँ पे पूजा वगैरह भी मैं कर ली हूँ, और दिया वगैरह तो माँ ही जला दी थी, मैं बस अभी अगरबत्ती जलाई हूँ नहा कर। आज का पूजा माँ ही कर दिया, क्योंकि माँ ही आज उपवास है जन्माष्टमी का। हैप्पी जन्माष्टमी बोल दे, हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज माँ ही और मैं ना बियर हग वीडियो बनाने वाले, फ़नी वीडियो, तो आप लोग चैलेंज रिक्वेस्टिंग ब्लॉग में देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं आई हूँ यहाँ पे खाना खाने। मेरे खाने में जो मैं चटनी बनाई थी आप लोग को दिखाई गरम गरम चावल के साथ, और ये डोसा है बिना आलू का, तो इसे अभी मैं खाऊंगी। बाबू तुझे खाना है, खाएगा खाना? वो अभी नाश्ता किया हुआ है ना, इसलिए उसको भूख नहीं लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरा ये डेली ब्लॉग, डेली रूटीन जो भी कहते हैं, तो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और आप लोग मेरे इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करोगे, और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए मैं तो चलिए अब खाना खाने, फिर मिलूँगी आप लोगों से इसी तरह एक नए वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, अभी दिखाती हूँ ना, बिल्कुल बंदर मामा, बंदर मामा दावत खाने आए। तो बताइए कैसी, बताइए कैसी लगी मैं। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये भी जरूर पसंद आया होगा। तो फिर बाय।